लखनऊ में आज से 3 दिवसीय कृषि कुंभ का आयोजन, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित, किसान, वैज्ञानिक, उद्योगपति, अनुसंधान संस्थान और नीति निर्माता होंगे शामिल, किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को दी है चुनौती। जांच एजेंसी का अंतरिम प्रभार एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के आदेश पर भी रोक लगाने की मांग। छत्तीसगढ़ चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। पहले चरण के लिए नाम वापसी की आखिरी तारीख। तेलंगाना में बीजेपी आज करेगी प्रचार अभियान की शुरुआत। राजस्थान में बीएसपी प्रमुख की 2 रैलियां। बेंगलुरु में एमनेस्टी इंटरनेशनल के 2 दफ्तरों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन का आरोप। सबूतों और दस्तावेजों की छानबीन कर रही है केंद्रीय एजेंसी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पूजा ढांडा ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जीता कांस्य पदक। चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली बनी भारत की 4थी महिला पहलवान। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत।